अरे चिराग पासवान है, अरे पिताजी के नम्बर के चलते पासवान जुट गए जी। तो कोचिक नमस जुटा है। अरे चिराग पासवान तो आए आती तो इम्पोर्टेड माल है जी। चिराग फैक्टर चिराग मॉडल हो गया है ना चिराग फिराग। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, अबरी कुर्नी उपचुनाव में भी हरा दिए, चिरागे फैक्टर है। गोपाल कहाँ हम तीन नंबर की पार्टी बन गए, विधानसभा चुनाव में नहीं बने हैं, अब अपने छह नंबर में न चल गए। छो नंबर आदमी है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान ठान लिए सुनिए ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। नहीं नहीं वो कोई डूबाएगा, वो तो अपने डूबल तीन नंबर आदमी है जी। दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ भी गोल हो गलो। आज दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ नरेंद्र मोदी गोल हो गए। चिराग पासवान बोले हम मुख्यमंत्री को 1 लाख देंगे अपना सैलरी, 1 लाख में जिंदगी गुजार लेंगे। चिराग पासवान है वीडियो मेरे पास, 1 लाख रुपया हम दे देंगे अपनी तनख्वाह में से। 1 लाख रुपए में से मुख्यमंत्री जी अपना जीवन व्यतीत करके दिखाए, उसके क्या औकात है सैलरी से देने का? हमारे नेता पर टिप्पणी करने का उसका हैसियत है? चवन्नी छाप नेता का, अरे चवन्नी छाप है, आई डुप्लीकेट पासवान है, सांसद है वो। अरे सांसद तो यही डुप्लीकेट में है वो है तरवार है। पहले अपना जो माई है ओरिजिनल उसको अधिकार देगा ये? अरे चिराग पासवान डुप्लीकेट ना है जी, डुप्लीकेट पासवान है। चिराग तो बुझा जीती जी, ऐसा बुझे थी पंजाब नानी घर जाते, पंजाबी है वो थोड़े बिहारी है, बिहारी पासवान का हम लोग। सुनिए ना, हमारा नानी घर झारखंड है, हम झारखंडी हो गए। झारखंड नानी घर होना अलग बात है। हाँ। लेकिन आपके पिताजी दो बियाह न कर लिए हैं जी, रामबिलास जी के ग्राम घुसल थे। हाँ। लंपट लंपट चौबे, इसका बेटा लड़की के साथ छेड़खानी करते पकड़ा रही थी। अरे अश्विनी चौबे का लौंडा जो है ये छेड़खानी करते पकड़ा नहीं पकड़ा। कई बार तो नीतीश जी भी व्यक्तिगत टिप्पणी लाली जी पर, नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। चुनाव में नहीं बोले बेटा चक्कर में बेटी पैदा किया लालू, नहीं लालू जी पर नहीं बोले थे। किस पे बोले थे? आठ आठ नौ नौ बच्चा बच्ची पैदा करता रहता, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी भी नीतीश जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, अभी तेजस्वी ने नीतीश जी पर टिप्पणी ने किया है। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन अब क्या करिएगा, जब मुख्यमंत्री आते तो अपना सामान बिहार भवन भिजवा देते, फिर द्वारका से जाते हैं, द्वारका से फिर गुड़गांव अपालन बिहार को कितनी गाड़ियां बदल करके जाती है, होता है। नीतीश कुमार जी, हम लोगों के पास बहुत कुछ है, अगर ऐसी चीजें कराइएगा तो आपका पाप इतना है और आपके लोगों का पाप इतना है कि डेली हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नया नया चीज दिखाना पड़ेगा। हम जदयू कार्यालय पटना में है और इधर देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, बड़का फोटो नीतीश कुमार का। और यहाँ कुढ़नी में उपचुनाव हुआ और यहाँ जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी चुनाव हार गए और भाजपा के केदार गुप्ता जीत गए। तो मतलब बिहार देख लिया उपचुनाव में, पूरा देश देखेगा क्या होगा। बात करेंगे, प्रवक्ता है जदयू के, क्या नाम हुआ सर आपका? प्रवक्ता नहीं है जदयू, नेता है ना, प्रदेश के सचिव। प्रदेश सचिव, क्या नाम हुआ आपका? राजीव रंजन पटेल। पटेल साहब बताइए, प्रदेश में कुढ़नी में दिख गया, वही दिखेगा देश में? वो तो लिखल है नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे कैसे बनेंगे जब बिहार में हार जाते हैं चुनाव? मुख्यमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपकी पार्टी हमारे नेता में प्रधानमंत्री बनने का सर्वगुण संपन्न है। तो आप में भी है? नहीं हमें नहीं है, नहीं है, हमें नहीं है। अच्छा, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जिस बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया, आज कृषि में विकास दर हमारा न, कृषि न, आज जो चुनाव हारे हैं। अच्छा, चुनाव तो जोगी जी भी हार गए हैं मैनपुरी में। हाँ। उपचुनाव तो जोगी जी हारवे किए, अब भारी वोट से हारे हैं। हाँ। हम तो हल्के फलके हैं, हल्के फलके। हाँ, 2-3 हजार वोट, तो जोगी जी 2-3 लाख से हारा है। अच्छा, ला यहाँ अपना बताइए। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, चिराग फैक्टर चिराग मॉडल हो गया है ना। चिराग फिराग तो नकली आदमी। अरे देखो जी। हाँ। चिराग अगर ओरिजिनल रहता। हाँ। चिराग के पिताजी की जो पहली पत्नी है। हाँ। तो उनकर जो बाल बच्चा रहते, देखो बात है। हाँ। ये तो पंजाब से आए आती तो लोग है, तो इनका कहा हम बोले इनके बारे में? अरे चिराग पासवान तो आए आती तो इम्पोर्टेड माल है जी। ये तो व्यक्तिगत टिप्पणी, हम कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ कर रहे हैं हम? अरे चिराग पासवान है, अरे पिताजी के नम्बर के चलते पासवान जुट गए जी। तो कोचिक नमस जुटा है। अरे वो तो हो गए, संवैधानिक है तो जुट गए। हाँ। लेकिन चिराग जी के जो ओरिजिनल जो है भाई बहन लोग, जो रामविलास जी के संघर्ष के साथी जो लोग हैं। हाँ। उनके परिवार के लोग रहते थे, वो सवाल है। चिरागे जी हरा रहे हैं इसलिए आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना। चिराग गोपालगंज में भी चिराग जी है, चिराग पासवान है, इम्पोर्टेड माल। आपके पास कौन थे? आपके पास राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम,
हम पार्टी को भी लगा दिए कि भाजपा हार ली हिमाचल प्रदेश में नहीं। यहाँ कहा बिहार बाबू ने कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में हार ली। जो जे जोगी जी के डंका पीट रहे हैं आज जोगी जी के ले जाकर घुमा के हिमाचल प्रदेश और खुद जोगी हार गए मैनपुरी में और 2-3 लाख वोट से हारा। चिराग पासवान लगातार आपको डैमेज दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, अबरी कुर्नी उपचुनाव में भी हरा दिए, चिरागे फैक्टर है। गोपाल कहाँ हम 3 नंबर की पार्टी बन गए, विधानसभा चुनाव में नहीं बने हैं। अब अपने 6 नंबर में न चल गए, वो अपने गए, अपने 6 नंबर में चल गया। वो तो बोलवे की हम तो चाचबो मनेल की 23वां वर्षगांठ, अब भतीजबो मनेल की 23वां वर्षगांठ। वो तो बोले अरे रामबिलास जी केकरा में घुसल थे, चाचबा में घुस गए थे कि बेटबा में घुस गए। नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्ति कैसे व्यक्तिगत है, उसकी पार्टी का 23वां वर्षगांठ का आप होर्डिंग देखिए। अब चुनाव आयोग से दोनों के पैदाइश 1 साल पहले हुआ है, 1.5 साल पहले चुनाव आयोग से चिराग पासवान ठान लिए, सुनिए ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबे। नहीं नहीं वो कोई डूबाएगा, वो तो अपने डूबल 3 नंबर आदमी है जी। हाँ। अरे उसकी पार्टी का बैनर आप देखिए, असंवैधानिक रूप से चुनाव आयोग से कब रजिस्ट्रेशन मिला जो निकालिए। हाँ। 1.5 साल के पार्टी 23 साल लिख के प्रचार कर रहा है। हाँ। 3 नंबर आदमी का आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं 6 नंबर आदमी वाला से, 6 नंबर आदमी ना है चिराग पासवान जी, इसके क्या है जो झुझका संवैधानिक रूप। अच्छा, आपके बारे में झूठ का प्रचार करता हूं। आपके बारे में बोला गया कि आप मुकेश सहनी को लगा दिए भाजपा को वोट काटने के लिए। अरे भाई लोकतंत्र में सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ। हम लोग लगा दिए कि नहीं लगा दिए ये कहने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। समझे। हाँ। सब रजिस्ट्रेशन कराया तो चुनाव नहीं लड़ेगा वो, तो गठबंधन में थे हम लोग, गठबंधन में है हम लोग, गठबंधन में है नहीं तो साथ आ गए थे बाकी दो जगह गोपालगंज सब में साथ दिए ना। कहा, कहा, अब आप पत्रकार लोग स्वतंत्र है अपनी राय बनाने के लिए, उस पर तो हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। तो कैसे पीएम बनेंगे जब ये हाल रहेगा। अरे पीएम कैसे बनेंगे, वो बनेंगे ना जी। दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ भी गोल हो गए, दिल्ली एमसीडी को चुनाव हुआ नरेंद्र मोदी गोल हो गए, नीतीश कुमार बाढ़ के प्रचार करे गए थे, मोदी जी गए थे, मोदी जी बाढ़ के प्रचार में गए थे, नीतीश कुमार गए थे बटवो में हार गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह बटवो में हार गए। अब वो ओकरा काहे नहीं बोल रहे है, यहाँ जानते हैं क्या हुआ। अति पिछड़ा वाला जो चुनाव हुआ, उपचुनाव अथी निकाय चुनाव जो नहीं था उसमें आरक्षण का घोटाला जो हो गया वो हुआ, पासी समाज आपके खिलाफ सड़क पे आंदोलन कर रहा था, ये सब मानते हैं कि कमी रही। देखिए आंदोलन करने वाले के लिए संविधान में आंदोलन करने का अधिकार है, और उस अधिकार को आप नहीं मना कर सकते, हम भी नहीं मना कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शराबबंदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने में दिन रात लगे रहते हैं। अफवाह पार्टी है बीजेपी, मुंह में राम बगल में छुरी वाला पार्टी है बीजेपी, तो ये लोग अफवाह फैला करके ये लोग आंदोलन करवाता है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों के लिए 1 लाख रुपया का मुआवजा, चिराग पासवान बोले हम मुख्यमंत्री को 1 लाख देंगे अपना सैलरी, 1 लाख में जिंदगी गुजार लेंगे। चिराग पासवान है वीडियो मेरे पास, 1 लाख रुपया हम दे देंगे अपनी तनख्वाह में से, 1 लाख रुपए में से मुख्यमंत्री जी अपना जीवन व्यतीत करके दिखाएं। अच्छा चिराग पासवान के फिर नाम लेना 6 नंबर वाला के, वो है थरवाए हैं। पहले अपना जो माई है ओरिजिनल उसको अधिकार देगा, ये चिराग पासवान रामविलास पासवान का ओरिजिनल पत्नी को अधिकार देगा, अगर देगा तो हम स्वीकार करेंगे उसका बाद, अपना सीट वो देगा अपने माँ को, राम विलास का ओरिजिनल पत्नी को देगा वो सीट हाजीपुर जमुई। तो ओरिजिनल तो दोनों ही ना। नहीं ओरिजिनल कैसे दोनों हो गए, डुप्लीकेटवा क्वेश्चन करेगा नीतीश कुमार पर। अरे चिराग पासवान डुप्लीकेट ना है जी, डुप्लीकेट पासवान है, डुप्लीकेट पासवान ओरिजिनल पर करेगा क्वेश्चन। चिराग पासवान को चुनौती है पहले अपने माँ को चुनाव लड़ा के दिखावे वो ओरिजिनल जो जिंदा है, राम विलास पासवान के पहली पत्नी को चुनाव लड़ाए ये बात क्वेश्चन करेगा, ये नकली पासवान, ये डुप्लीकेट पासवान। अभी शोक में है, उनकी नानी का निधन हो गया, अब उनकी नानी का निधन हो गया इस पर हमारा कोई क्वेश्चन ना है। लेकिन डुप्लीकेट पासवान उदय अधिकार नीतीश कुमार को चैलेंज करेगा जिसका अपने घर का ठिकाना नहीं है। आज रामविलास जी मर गए तो सबके घर घर घूमल चलता है, जब रामविलास जी जिंदा थे क्यों नहीं उन अपनी सौतेली माँ को बुलाया कभी दिल्ली, एक फोटो दिखाए हमको दिल्ली का, एक फोटो दिखाए चिराग पासवान। नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है ये, वो व्यक्तिगत टिप्पणी करने का कैसा हैसियत रखा नीतीश कुमार पर, 1 लाख रुपया देंगे वही नीतीश कुमार जो 4-4 लाख दे करके और बिहार के नौजवानों को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, दलित को अति पिछड़ा को यही नीतीश कुमार भेज रहे हैं ना, लाखों नौजुवक जो आगे बढ़ रहा है आज बड़े बड़े संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है यही नीतीश कुमार के 4 लाख पर, और 1 लाख का क्वेश्चन करेगा
है उसकी हैसियत? बोले हम अपना सैलरी देंगे नीतीश जी। उसके क्या औकात है सैलरी से देने का? सांसद है वो। अरे सांसद तो यही डुप्लीकेटे में है। अरे डुप्लीकेटे में सांसद है वो, उस सीट पर होना चाहिए था। और रामबिलास जी का अपनी पत्नी का उनको होना चाहिए था। रामबिलास जी का वो लड़का जो है साधु जादव साधु पासवान उसको होना चाहिए था। टिकट राजद कहन दे रही सवाल ने? राजद की बात नहीं कर रहा हूं। राजद में है तो टिकट आपने आपने पारिवारिक सवाल किया है पटेल जी। राजद में है तो पार्टी टिकट के देगा भाजपा की जदयू? अभी तो राजद का सवाल राजद से पूछेगा ना। हाँ। आपने चिराग पासवान के परिवार पर हमने कहा है। हाँ। उसने नीतीश कुमार पर टिप्पणी किया है ना। हाँ। तो मैं टिप्पणी कर रहा हूँ कि चिराग पासवान को दम है तो साधु पासवान को लड़ा के दिखावे, अपने उसके माँ को लड़ा के दिखावे। जो हमारे नेता पर टिप्पणी करने का उसका हैसियत है? चवन्नी छाप नेता का, अरे चवन्नी छाप है, डुप्लीकेट पासवान है। चलिए तो बहुत गर्म है चिराग पासवान पर, कुड़नी में चुनाव में हारने के बाद जदयू के नेता है पटेल साहब। तो खैर व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा, नीति और उसने व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों किया नीतीश कुमार पर? हाँ। उसके हैसियत है टिप्पणी करने का? कई बार उसने नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी किया है, एक बार नहीं कई बार उसने व्यक्तिगत। वो पटेल समाज और हमारी पार्टी के लोग सब है, अनुशासन प्रिय है, नहीं तो दूसरा पार्टी का लोग होता ना तो इनको पता चलता। लेकिन नीतीश कुमार का संस्कार है जदयू में, सुनिए हम लोग अनुशासन में रहते हैं। हम लोग इसका समर्थन चौबे जो कल टिप्पणी किया है। हाँ, हाँ, लंपट चौबे, इसका बेटा लड़की के साथ छेड़खानी करते पकड़ा रही थी। अरे अश्विनी चौबे का लौंडा जो है ये छेड़खानी करते पकड़ा नहीं पकड़ा? हम तो इस सवाल पूछना भी नहीं चाहते थे। तो बताइए अब तक का टिप्पणी बीजेपी के लोग जो उल्टा पुल्टा किए चलता है, हम पूछना भी नहीं चाहते थे इतनी। नहीं आप निजी टिप्पणी नहीं है टिप्पणी कई बार कर चुका ना अश्विनी चौबे जो बोले नीतीश जी पर, वो हम बोलना भी नहीं चाहते थे लेकिन बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब निजी टिप्पणी हमारे नेता तो संस्कारशील नेता है। हाँ। हमारी पार्टी के लोग अनुशासन प्रिय है। कई बार तो नीतीश जी भी व्यक्तिगत टिप्पणी लालू जी पर, नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। चुनाव में नहीं बोले बेटा चक्कर में बेटी पैदा किया लालू? नहीं लालू जी पर नहीं बोले थे। किस पे बोले थे? बहुत लोग इस तरह के रहते हैं समाज में, लालू जी पर कभी ना नीतीश कुमार ने टिप्पणी किया है। तेजस्वी भी नीतीश जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी, कभी तेजस्वी ने नीतीश जी पर टिप्पणी ना किया है। खैर गुस्सा में है, चूंकि प्रणाम तेजस्वी जी करते हैं ना। हाँ अभिन करते हैं। नए साथ देखिए, साथे नहीं थे तब पटेल जी? साथे नहीं थे तब दोनों दोस्त है ना थे जी, पटना यूनिवर्सिटी से दोनों दोस्त है। नहीं तेजस्वी जी किए थे नीतीश जी पटेल रहा, सब चुनाव में धोखाधड़िया बीजेपी की तरह। अब की कर अब तो चिराग ठान ले को क्या है? चिराग तो बुझा जीती जी। हाँ। ऐसा बुझाई थी पंजाब में नानी घर जाते। चलिए तो पंजाब में, बिहार में नानी घर की पंजाब है नानी घर पंजाब में तो पंजाब जाए बिहार कुछ करे ले ये। चलिए तो नानी घर में दादी दादी अच्छा चलिए पूरा फायर है एकदम। अश्विनी चौबे पर भी अश्विनी चौबे ने जो कुछ कहा हम बोल नहीं सकते। सोचिए कि एक केंद्र के जो राज्य मंत्री हैं इस तरह का बयान उनका आता है, जो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के नेता हैं, इस तरह का बयान आया उसको लेके कोई समर्थन नहीं कर सकता किसी भी पार्टी के नेता ने। खैर ये जो गर्म है चिराग पासवान को लेकर भी कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी किए। मैं गर्म नहीं हूँ, मैं सच्चाई बताया क्या? हाँ, नानी घर पंजाब नहीं है, हमको बोले दीजिएगा। दूसरा बेटा नहीं है वो, हमको बोले दीजिएगा। हम झूठ ना बोले। आप देखिए पब्लिक कमेंट करेगी अब जो कमेंट करे, हम झूठ नहीं बोले हैं। अगर सच्चाई है तो तकलीफ लगा तो हम क्या करेंगे? चलिए क्या उसका नानी घर पंजाब है कि ना है? अच्छा लिए बिहार की जनता बता दे, नानी घर ही है। चलिए प्रतिक्रिया, पंजाबी है वो थोड़े बिहारी है, बिहारी पासवान का हम लोग। हाँ, सुनिए ना, हमारा नानी घर झारखंड है, हम झारखंडी हो गए। झारखंड नानी घर होना अलग बात है। हाँ। लेकिन आपके पिताजी दो बयान ना कर लिए हैं जी। हाँ। तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।